मैं हमेशा से एक शौकीन यात्री रहा हूँ। ट्रैवल का एक पहलू ऐसा था जिसे मैंने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी, वो था सोलो ट्रैवलिंग। अकेले यात्रा करने का विचार मुझे हमेशा घबराहट से भर देता था। जब भी मैं इस बारे में सोचता था, मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल घूमते थे। मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह सुरक्षित है? ऐसे तमाम सवाल मुझे अंदर से डरा देते थे और यह डर अक्सर मुझे पीछे धकेलता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब मैंने इन सभी सवालों को हवा में उड़ा दिया और अपना बैकपैक बांधकर आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। इस व्लॉग में मैं अपनी पहली सोलो ट्रैवल के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। फ्राइडे का दिन था, ऑफिस की छुट्टी नहीं मिली, इसलिए अर्ली शिफ्ट करके अपना बैग लेकर जल्दी से पहुंचा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ऐसा नहीं है कि वाइजैक फ्लाइट से नहीं पहुंचा जा सकता। इवन मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो बाइक से भी वहां ट्रैवल कर चुके हैं। मुझे पर्सनली ट्रेन का सफ़र कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, फिर चाहे वो सफ़र 3 घंटे का हो या फिर 30 घंटे का। मैं इस जर्नी के हर पल को जीना चाहता था, फील करना चाहता था, और वो मुझे फ्लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता था। ट्रेन में और ट्रेन चल चुकी है, 8 बजे का टाइम था और 10 मिनट लेट से चली है ट्रेन ये, और ट्रेन चलते ही मुझे भूख लगी है तो मैंने यहाँ पे खोल लिया है खाना। ठीक है, और सीट कुछ इस तरह से सारी ट्रेन क्लीन है, पूरी अच्छी तरह से सब लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारी मतलब ने क्या दिया है। ये शायद अचार होगा और ये है, अरे वाह, बाय द वे मैंने हैंड जो है वो सैनिटाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधा इसको खाऊंगा। अभी भी गर्म है। ये है डासी जंक्शन, बट यहाँ पे इसका कोई स्टॉप नहीं है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे लगता है ट्रेनों की रेस हो रही है। जबलपुर रिजाबंदन से कोयम्बटूर जाएगी जबलपुर। Here, the sound of deafening fear.
ये है नागपुर स्टेशन कांगे केले वाला। सो फिलहाल मैंने ये लिए हैं संतरे और कुछ केले नागपुर स्टेशन से। सुबह 5 बजे जगह तो ये गाड़ी थी भोपाल जंक्शन में खड़ी हुई थी ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेशन आया वो नागपुर सीधा, यानी कि सुबह 5 बजे से छूट के और नागपुर ये पहुँची 11 बजे, यानी कि लगातार 6 घंटे चल के इसने 350 किलोमीटर कवर किया, 300 किलोमीटर कवर किया, और बीच में कोई स्टॉप भी नहीं लिया इसने, मतलब कंटिन्यू चलती रही। क्या स्पीड है इस गाड़ी की। आज सुबह से हमारे सूरज चाचू के दर्शन नहीं हो पाए हैं। सुबह से एक तो बारिश हो रही थी भी रस्ते में, उसके बाद अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि बारिश तो नहीं हो रही है, बट सूरज मुझे सुबह से दिखाई नहीं दिए हैं। बज गए हैं 12:30 और हल्की हल्की भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ा सा और वेट करता हूँ, थोड़ा और भूख बढ़ने दो। लंच का तो है मेरे पास सारा सामान, ठीक है, पूड़ियाँ बची हुई हैं और अचार है, लंच में वही चल जाएगा, फिर डिनर में देखते क्या होगा। और हाँ, अभी मेरे फ्रूट्स ले लेते नागपुर से। ये बरोड़ा स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, जो आनंदवन जो बहुत ही फेमस जगह है उसके लिए यहीं पर उतरना पड़ता है बरोड़ा। पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आती है, भाई चाय पी चाय। हाँ, रेलवे की चाय है, सिर्फ पानी है और थोड़ा बहुत दूध होगा और चीनी होगा, अदरक का तो नाम निशान नहीं है। शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रामगुंडम नाम के एक स्टेशन, और सफ़र अब हमारा यहाँ से जो पेंडिंग है वो है और 700 किलोमीटर का। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ पे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे साफ़ सफाई दिल्ली के प्लेटफॉर्म के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। क्या बात है। चलो भाई, हॉर्न ले चुका है गाड़ी ने और हम जो करते हैं सारी सीट खाली पड़ी है, यहाँ मजे बैठ जाओ। तो यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर और है हमारा सफ़र बाकी, और ये ट्रेन हमें पहुँचाएगी विशाखापट्टनम सुबह 4 या 4:30 बजे। Look at the view, and this view is coming straight from the Padappally Junction. Wow, yaar, kitne cool station hai yahan ke yaar. Chote se station, kam bheed bhaad aur view. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये ट्रेन जो है अभी वो 2 घंटे कुछ मिनट के लिए देरी से चल रही है। यहाँ पे पहुँचने का टाइम वैसे 4 बजे का है, लेकिन अभी हो रहे हैं 6:20। इट्स पेड़ापल्ली जंक्शन, नॉट पेड़ूपल्ली।
खेड़ापल्ली जंक्शन। स्टेशन है वरंगल, टाइम हो रहा है 7:30 और हॉर्न बज चुका है ट्रेन का और ये स्टेशन मेरे को बिल्कुल भीड़ वाला लगा काफ़ी टाइम बाद। चलो बैठे ट्रेन चलना। यहाँ पे बिरयानी है एक ऑप्शन। यहाँ का मेन फूड है वो बिरयानी है, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी। ये क्या भैया? समोसा। चलो जी, इट्स टाइम टू गुड बाय वरंगल, फिर मिलेंगे फिर कभी। वहाँ पे देखो एक मंदिर है सामने का, आपको दिख रहा होगा। तो मेरा भी डिनर का टाइम हो गया है और आज का डिनर मैंने ऑर्डर किया है IRCTC से, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम दिया उन्होंने। तो लेट्स सी कैसा आता है। तो मेरा डिनर मेरे सामने पड़ा हुआ है, एक्चुअली रखा हुआ है, अभी भी आया है जस्ट, और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। इसमें तो रोटियां हैं और इसमें चावल दाल और एक गिली सब्जी है और साथ में क्या है, अचार भी है, चम्मच है, इसमें सूखी सब्जी है और इसमें रोटी है। चलो फिर मैं एक बार खा के आपको बताता हूँ। फाइनली वी हैव रीच्ड विशाखापट्टनम और ट्रेन ही ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लेट। ये है विशाखापट्टनम का स्टेशन कुछ ऐसा और यहाँ से एग्जिट। प्रीपेड लाउंज, क्या बात है, ए सी वाला लाउंज।